देखिए ऐसा है कि जेपीसी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस देश के लोगों को देना है और जेपीसी मेंबर होने के नाते ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि देश को ये बताएं वास्तव में हो क्या रहा है। दरअसल ये जेपीसी मोडानी सरकार के दलालों के माध्यम से सरकार के हर गलत फैसले पर मोहर लगाने का एक माध्यम हो गया है। हमें पता है जेपीसी में किन लोगों को बुलाया जा रहा है, स्टेक होल्डर्स को नहीं बुलाया जा रहा है। जेपीसी के अंदर बीजेपी, मोदी, अडानी, इनका गुणगान करने वाले लोगों को बुलाया जा रहा है। देश की सारी धार्मिक संस्थाओं की जमीनों को कब्जा करके अपने दोस्त अडानी को देने का मकसद नरेंद्र मोदी का है। इस मंशा को हम पकड़ चुके हैं और बार बार हम इसका विरोध करते हैं कि ये काम मत कीजिए। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाइए, लेकिन जो आरएसएस का गुणगान करते हैं, जो बीजेपी का गुणगान करते हैं, उन लोगों को मीटिंग में बुलाया जाता है। दिल्ली की चुनी हुई मुख्यमंत्री, 62 विधायकों की सरकार चल रही है दिल्ली में, मुख्यमंत्री की चिट्ठी का संज्ञान जेपीसी में नहीं लिया जाता। बीजेपी और आरएसएस का गुणगान करने वाले लोगों का संज्ञान लिया जा रहा है। आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जेपीसी को जानकारी दिए बगैर चेयरमैन कर्नाटका अकेले चले गए। क्यों भाई, आप अकेले क्यों चले गए? आपको जेपीसी को जानकारी देना चाहिए, आप अकेले चले गए वहां पे। जेपीसी की मीटिंग होती है, हम लोगों ने स्पीकर से मुलाकात की, हफ्ते में 2 दिन मीटिंग, धनतेरस के दिन मीटिंग, 28-29 को मीटिंग, फिर 5 दिन का टूर हर महीने में। इसमें तमाम लोकसभा राज्यसभा के एमपी हैं, उनको अपने भी काम होते हैं, 15-15 दिन का कार्यक्रम महीने में। ये जल्दबाजी क्यों है, इसके पीछे का मकसद क्या है? इसके पीछे का मकसद है धार्मिक संस्थानों की जमीनों को कब्जा करके अडानी को देना। जो 11,000 एकड़ जमीन अयोध्या में अभी रक्षा मंत्रालय का कब्जा करके इन्होंने अडानी को दे दिया, वही काम ये देश भर में करना चाहते हैं। पहले वक्फ की जमीनों को कब्जा करके अडानी को देंगे, फिर गुरुद्वारा की जमीनों को कब्जा करके अडानी को देंगे, फिर मंदिर की जमीनों को कब्जा करके, चर्च की जमीनों को कब्जा करके अडानी को देंगे। तो पूरे देश भर में धार्मिक संस्थानों की जमीनों को कब्जा करके नरेंद्र मोदी अडानी को देना चाहते हैं, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं जी। दूसरी बात, जब हमने चेयरमैन से स्पीकर साहब से मुलाकात की थी और ये बताया था कि चेयरमैन महोदय हफ्ते में 2 दिन मीटिंग बुलाते हैं, महीने में 5 दिन का टूर रख लेते हैं, तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि अब ऐसा नहीं होगा और टूर और मीटिंग समय देखकर किया जाएगा। हमारी दूसरी स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग होती है, वो मीटिंग नहीं हो पाती है उसके चक्कर में, उसमें हम लोग शामिल नहीं हो पाते। आप मीटिंग में उन लोगों को बुलाते हैं जो स्टेक होल्डर्स नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं है वक्फ से। एक मुख्यमंत्री की चिट्ठी का संज्ञान नहीं लेते आप, बिना जेपीसी को बताए आप कर्नाटक चले गए। तो इन सब सारे मुद्दों का जब जानकारी हम लोगों ने स्पीकर को दिया तो उन्होंने कहा कि आगे से ऐसा नहीं होगा, हमें आश्वस्त किया। लेकिन अभी 9 से 14 तारीख तक फिर टूर बना दिया इन्होंने, 9 से 14 तारीख टूर जारी रहेगा। तो इसलिए सारे अपोजिशन के मेंबर्स ने फैसला लिया है सामूहिक रूप से कि हम लोग जेपीसी के अंदर सही बात करने के लिए बैठे हैं, मोडानी सरकार के गलत फैसले पे मोहर लगाने के लिए हम नहीं बैठे हुए हैं, मोदी और अडानी के हां में हां मिलाने के लिए हम नहीं बैठे हुए हैं, धार्मिक संस्थानों की जमीन कब्जा करके अडानी को दिलाने के लिए हम नहीं बैठे हुए हैं। इसलिए हमने फैसला लिया है कि हम बहिष्कार करेंगे 9 से 14 वाले टूर का और इस दौरान जितनी भी बैठकें होंगी उन सबका बहिष्कार करेंगे। सारे अपोजिशन के मेंबर्स ने यह सामूहिक रूप से फैसला लिया है।